यूपी ही क्यों देता है देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री? समझिए दिल्ली की सत्ता में राज्य की अहमियत। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की केंद्र की सियासत में है अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश से रहा नेहरू गांधी परिवार का नाता। चुनाव 2024 को लेकर 380 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चुनावी चर्चा के बीच प्रधानमंत्रियों के इतिहास पर नजर डालना भी है। देश में अब तक हुए देश के 15 प्रधानमंत्रियों में से ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से संबंध रखने वाले रहे। देश की आबादी में यूपी का हिस्सा 17% से ज्यादा है। देश के 15 में से 6 प्रधानमंत्री यूपी में जन्मे थे। वहीं 9 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो कि यूपी की अलग अलग सीटों का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके अलावा पंजाब से आने वाले 3 नेता देश के प्रधानमंत्री रहे। यूपी के बाद महाराष्ट्र भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य ने देश को केवल एक ही प्रधानमंत्री दिया जो कि राजीव गांधी है। गुजरात ने 2 प्रधानमंत्री दिए। राजीव अविभाजित बॉम्बे स्टेट में जन्मे थे। अगर हम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर नजर डालें तो यह संख्या और भी प्रभावशाली है। पद पर रहने वाले सभी प्रधानमंत्रियों में से 75% समय ऐसे प्रधानमंत्रियों के पास ही गया जो कि यूपी सीटों से आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगभग 17 साल का कार्यकाल था। इसके बाद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का 15 साल से अधिक का कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 6 साल का रहा। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मई 2014 से पद पर हैं, हालांकि वो मूल रूप से गुजरात से आते हैं, पीएम मोदी संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव को छोड़कर प्रत्येक कांग्रेस नेता ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से आते हैं। सबसे लंबे समय तक राज्यसभा से पीएम रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजस्थान और असम का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि सभी कांग्रेस प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे। अंततः वो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के पैतृक राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगे। नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश के साथ पुराना नाता है। शुरुआत तब हुई जब मोतीलाल ने आगरा में वकालत की थी और बाद में इलाहाबाद चले गए थे। उन्होंने इलाहाबाद में स्वराज भवन नाम से एक बड़ी हवेली खरीदी जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए अनौपचारिक बैठक स्थल के रूप में काम करती है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वो 1930 तक स्वराज भवन में रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी 215 मिलियन लोगों के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये लोकसभा में 80 सदस्य भी भेजता है। महाराष्ट्र 48 के साथ दूसरे स्थान पर है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सांसदों की हिस्सेदारी 20% है और राज्य में निर्णायक जीत अक्सर यह तय करती है कि केंद्र की सत्ता में कौन आएगा। आजादी के बाद के 3 दशकों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ था। राज्य में मतदाताओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव के कारण 1977 में कांग्रेस की पहली हार हुई। 2014 में भाजपा ने यूपी में रिकॉर्ड 71 सीटें जीती जबकि गठबंधन सहयोगी ने 2 सीटें जीती थी। 1984 के बाद यह पहला संसदीय चुनाव था जो कि पूर्ण बहुमत लेकर आया था। उत्तर प्रदेश तय करेगा दिग्गजों का सियासी कद। मोदी राहुल और अखिलेश किसका कितना असर? 2014 में मोदी का दिखा था असर। अकेले बीजेपी को मिली थी 71 सीटें। 2014 में अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया गांधी ने किया था कमाल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू 18वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चलेगा? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के गढ़ रहे?